हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले जाह्नवी कपूर की सर्वाइवर थ्रिलर फिल्म मिली के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म डबल एक्सएल के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और गाइस साथ ही साथ जानेंगे कटरीना कैफ की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर देना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गाइस जाह्नवी कपूर की मच अवेटेड फिल्म मिली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी को 35 करोड़ के बजट से बनाया गया है, और गाइस इस मूवी को इंडिया में 450 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। और गाइस, इस मूवी के डायरेक्टर है मथुकुटी साइवर, और गाइस इसके लीड रोल में आपको जाह्नवी कपूर एंड सनी कौशल इसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे। तो फिर बात करते गाइस इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया है, दूसरे दिन 60 लाख रुपये का कलेक्शन किया है, यानी कि गाइस इस मूवी ने अपना शुरुआती दो दिनों में 1 करोड़ 10 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते हैं इस मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि आज के दिन इस मूवी की कितनी ऑक्यूपेंसी आ रही है। तो गाइस, आज के दिन यह मूवी 65 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, यानी कि गाइस इस मूवी ने अपने शुरुआती तीन दिनों में टोटल 1 करोड़ 75 लाख रुपये का ही कलेक्शन किया है। कम स्क्रीन मिलने की वजह से गाइस इस मूवी ने इतना ही कलेक्शन किया है। और गाइस बात करते हैं इस मूवी के हिट और फ्लॉप की। तो गाइस, इस मूवी को हिट होने के लिए 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके मूवी हिट साबित होगी। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, यह मूवी 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन करके एक हिट मूवी साबित हो सकती है? तो फिर बात करते हैं गाइस सोनाक्षी सिन्हा के मच अवेटेड फिल्म डबल एक्सएल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी को 20 करोड़ के बजट से बनाया गया है, और गाइस इस मूवी को इंडिया में 400 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। और गाइस, इस मूवी के लीड रोल में आपको सोनाक्षी सिन्हा, उमा एंड जाहिर इकबाल इसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे। तो फिर बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, और गाइस इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, यानी कि गाइस इस मूवी ने अपने शुरुआती दो दिनों में 85 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते हैं इस मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी ने अपने तीसरे दिन 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, यानी कि गाइस इस मूवी ने अपने शुरुआती तीन दिनों में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का ही कलेक्शन किया है। इस मूवी ने भी गाइस कम स्क्रीन मिलने की वजह से इतना ही कलेक्शन किया है। और गाइस बात करते हैं इस मूवी के हिट और फ्लॉप की। तो गाइस, इस मूवी को हिट होने के लिए 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके ये मूवी हिट साबित होगी। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, ये मूवी 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके एक हिट मूवी साबित हो सकती है? तो फिर बात करते हैं इस कटरीना कैफ की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी को 45 करोड़ के बजट से बनाया गया है, और गाइस इस मूवी को इंडिया में 1400 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। और गाइस, इस मूवी के डायरेक्टर है गुरमीत सिंह, और गाइस इसके लीड रोल में आपको कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ईशान खत्तर एंड जैकी श्रॉफ इसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे। तो फिर बात करते गाइस इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 2 करोड़ 5 लाख रुपये का कलेक्शन किया है, दूसरे दिन 2 करोड़ 75 लाख रुपये का, यानी कि गाइस इस मूवी ने अपने शुरुआती दो दिनों में 4 करोड़ 80 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। और गाइस बात करते हैं इस मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, यानी कि आज के दिन इस मूवी की कितनी ऑक्यूपेंसी आ रही है। तो गाइस, आज के दिन यह मूवी 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, यानी कि गाइस इस मूवी ने अपने शुरुआती तीन दिनों में टोटल 7 करोड़ 80 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते गाइस इस मूवी के हिट और फ्लॉप की। तो गाइस, इस मूवी को हिट होने के लिए 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके मूवी हिट साबित होगी। वैसे गाइस, आपको इन तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी अच्छी लगी गाइस कॉमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस, आप साउथ और बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट पाना चाहते हो तो गाइस आप हमारे चैनल RM बॉक्स ऑफिस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।